जिसने देश का नाम रोशन किया और देश के नाम के साथ साथ अपने गांव का काम ऐसे मुकाम पर पहुंचाया रुड़की का कि आज लोगों का उत्साह और जोश अलग दिखा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने आज खेलों में अपनी जगह बना रखी, आने वाले समय में और ज़्यादा मेडल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर लाने का काम करें। मैं तो परवीना के भविष्य के लिए उसको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास रखता हूं कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स है उसके अंदर परवीना इंडिया की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आपने माना है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सरकार जब भी चुनाव लड़ती है, कोई भी लड़ती है, तो गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करती है, हर बार स्टेडियमों की बात होती है, लेकिन आज तक वो सुविधाएं पूरी नहीं हुई। स्टेडियम बने हैं मगर स्टेडियम्स की अपलिफ्टमेंट के अपकीपमेंट कैसे हो? आज स्टाफ सिलेक्शन के अंदर ग्राउंड कीपर की भर्ती जो है वो कोविड की वजह से 2 साल से डिलेड है। उन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस के लिए अब हमने मनरेगा का भी प्रोविजन डलवाया है और प्रदेश के अंदर सारे ADCs को पहले भी कहा था कि एक एक स्टेडियम टेकअप कर उसको आगे ले जाने का काम करें। और धीरे धीरे ये जो इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, 6 एकड़ का स्टेडियम एक आदमी से मेंटेन करना कोई आसान नहीं होता। मनरेगा के जब लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से इसकी अपलिफ्टमेंट भी होगी। आज इनके गांव के स्टेडियम की भी कई जगह दीवार गिरी हुई है, उसको हम जल्द मनरेगा से पूरी तौर पर दुरुस्त करा एक मॉडल स्टेडियम का सब। दुष्यंत जी, किलोई में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कभी काम की नहीं कहते और हुड्डा साहब ये बोलते हैं कि मैं काम की क्यों कहूं? कहे ना कहे, मैं अब यहाँ आया, बालोट में मैंने पानी भरा देखा, ये हमारी जिम्मेवारी है। पुरानी गलतियों से लोगों को तो पछताना नहीं पड़ेगा। मैंने इमीडिएटली कहा भी है और अगली ग्रीवेंस में उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे कि पानी आज के दिन क्यों नेशनल हाईवे पे खड़ा है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हो रहा है उसको संभालना आज मुझे लगता है हर नागरिक की जिम्मेवारी है। और जो जो कमियाँ रही है पुराने राज्यों में, चाहे वो कलोई की हो चाहे किसी और विधानसभा की, हमने बहुत हद तक उसको सुधारा भी है और बढ़ाया। ये करें कि क्या हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है? मैं उसका जवाब बड़ा आसानी से देता हूँ। एयरपोर्ट बन रहा है और एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया जा रहा है। 1.5 साल में उसका रनवे का निर्माण कार्य 99% पूरा हो चुका और मार्च के तक हमारा टारगेट है कि रनवे लाइट्स बने। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा ये तो जब वहाँ जहाज उतरेंगे, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल डिमांड आएगी, तब बनेगी। मगर क्या सरकार उस विजन से उस प्रोजेक्ट को बंद करिए? बिल्कुल नहीं कर। आज 800 करोड़ का बजट हमने हिसार एविएशन हब के लिए रखा है, वो प्रदेश की एविएशन तस्वीर बदले। आज तो हरियाणा के पास खुद का एयरपोर्ट भी नहीं था। चंडीगढ़ हमारी जॉइंट कैपिटल है, उसके अंदर हमारी राजधानी का एयरपोर्ट हम यूज़ करते हैं। पहला एयरपोर्ट बन रहा है और हिंदुस्तान का नहीं, मुझे लगता है कि बड़े बड़े देशों का मिला के वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी कुल एरिया साइज जो है वो 7200 एकड़ जमीन है। और मैं मानता हूँ ये सवाल अगर आज से 5 साल बाद आप कोई पार्लियामेंट में लगाएगा, और मैं तो उम्मीद करता हूँ आप चुनाव लड़ो, आप जाके लगाओ, तो जरूर केंद्र सरकार लिख कर देगी कि हाँ हिसार का जो एयरपोर्ट है वो फंक्शनिंग है और अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसको हम बढ़ा रहे हैं। IGI एयरपोर्ट बनने के बाद कम से कम 10 साल लगे थे उसके अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी को और बेहतर। बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बने हुए 5-5, 7-7 साल हो गए, आज तक उसमें कोई जहाज नहीं उतरा। आज हमारा आगरा का एयरपोर्ट जो है उस पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा जाता है, केवल मात्र 1 फ्लाइट आती है। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, हफ्ते में 6 फ्लाइट्स आती है। चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी से भी बेटर कनेक्टिविटी दिल्ली को भी, नॉर्थ इंडिया को भी हिसार की है। नए नेशनल हाईवे आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अमृतसर से लेकर जयपुर तक जितना ही हमारा बीच का सर्कल है, इन सब के पैसेंजरों का भविष्य का कोई एयरपोर्ट होगा तो हिसार एयरपोर्ट होगा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी से MOU भी कर लिया, उनको एंगेज भी कर लिया, डेवलपमेंट का वर्क वो देख रहे हैं। और अब NSIDC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है उसके साथ टाई अप कर 1300 एकड़ में जो हमने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का फेज़ 1 बनाना है,
उसका कार्य भी जल्द शुरू कर देंगे, जिसके अंदर हरियाणा की इक्विटी 50% रहेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इक्विटी 50% रहेगी। और मैं मानता हूं कि जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी डेवलप हुई, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर उससे भी ज़्यादा इस क्षेत्र को विकास लाने का। और कोई आज का नहीं है, चौधरी देवीलाल जी जब यहाँ से सांसद बनकर गए थे उस दिन से लेकर आज तक रोहतक के लोगों का प्यार रहा है। मैं मानता हूँ कि इसको और बढ़ाएंगे। यहाँ के लोगों को जो पीछे पाबंदियाँ देखनी पड़ी, लोग डेवलपमेंट की बात करते थे मगर गांव की आज ये हालात है कि डेवलपमेंट भी असलियत में नहीं हुई, तो उससे आगे भी जाते हैं।